अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। नमस्ते, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजो गालियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकन जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर ॿिएं जे सिरू चौंक वारे एराज़े में कूल बॉयज ग्रुप जे पारां हिकु अलॻि थीम ठाहे करे लाल लोई मल्हाई वई। हुआ अलॻि थीम हुई त हुते गौशाला जो नज़ारो ठाहियो वियो, जिते गांइ जे खीर मां फ़ाइदा वग़ैरह ॿुधाया विया। पेश आहिनि कुझु झलकियूं। जय श्री कृष्ण, सतनाम साखी। जैसे कि आप जानते हैं, हर साल कूल बॉयज़ कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। ये साल हमारा 11वां साल है और ये साल हमने गौशाला थीम स्वामी शांति प्रकाश जी का आश्रम बनाया है, और उसके बाद हम लोगों ने ये साल कुछ नया दिखाने की कोशिश किया है। जैसे गाय के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, गाय के लिए हम लोग गाय का दूध या गाय का जो गोबर रहता है उससे हमारे देश को या हमारे देशवासियों को क्या क्या सहयोग मिलता है। ये साल हमारे लिए 11th ईयर है कूल बॉयज़ ग्रुप का। कूल बॉय के तरफ से सोनार गली में बैरक नंबर 351 में यहाँ पर लोहरी के त्यौहार के जलसे के तौर पर इन्होंने एक झांकी बनाई है शांति आश्रम 5 नंबर की, बहुत खूबसूरत बनाई है। गाय के क्या क्या हम चीज़ें फ़ायदे में लाएंगे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। दूध के लिए उसके वेस्टेज के गोबर के इसका फ़ायदा सारे देश को होगा, और बाजू में मोटू पतली की उन्होंने बहुत अच्छी झांकी बनाई है। मैं मुस्लिम जमात अम्बरनाथ के ट्रस्टी उनकी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ लोही लोड़ी की, और हमेशा ये लोग ऐसी झांकी करते रहे। जो बोले सोनिया। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। लाल लोई जो त्योहार सुभाष नगर टेकरी में मंथन ग्रुप वारन जे पारा धूमधाम से मल्हायो वियो। पेश आहिन कुछ झलकियूं। उल्हासनगर वासियों, हमारे मंथन ग्रुप की तरफ से सारे उल्हासनगर वालियों को हैप्पी लोहड़ी और सभी लोहड़ी की लाख लाख बधाई हो। आज हमने सुभाष टेकड़ी पे मंथन ग्रुप की तरफ से लोहड़ी का कार्यक्रम आयोजन किया है। हम लोग सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर लोहड़ी जलाई है, नाच गाना किया है, सभी के लिए खाना किया है, और सभी को दोबारा फिर से उल्हासनगर वासियों को मंथन ग्रुप की तरफ से लोहड़ी की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी लाख लाख बधाई। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।
उल्हासनगर पंजे के गांधी रोड वारी एराजी में हरि भवन में लाल लोई के मौके ते माता जी जोत जो आयोजन कयो वियो ऐं पोए लाल लोई बारी वई। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। सजे नगर में अलग अलग जगह ते अलग अलग तरह जी सजावट कराए लाल लोई जो दिन सिक ए श्रद्धा से मल्हायो वियो। पेश आहिन कुछ झलकियों। खोटे 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 मिट्टी खोटो जोटे 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 लकड़ी जोटो खोटे 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 मिट्टी खोटो जोटे 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 लकड़ी जोटो तेरे बुड़िंदा गजर लाई केर आनींदा लाल लोई ते जोत केर बारींदा तेरे बुड़िंदा गजर लाई केर आनींदा लाल लोई ते जोत केर बारींदा शीश निवाईंदा जैसे कि लाल लोई का शुभ अवसर है। टीम ओमिकालानी हमेशा खुशी का माहौल में ही खुशी के माहौल में हर किसी कार्य में आगे रहते हैं। आज भी लाल लोई के पावन अवसर पे टीम ओमिकालानी की तरफ से और हमारी ग्रुप की तरफ से एयरटेल सिम कार्ड का हमने मुफ्त बांटे हैं और एयरटेल बैंक जो चालू किए उधर भी मुफ्त खाते चालू किए हैं। इसी शुभ अवसर के तहत हमने काफ़ी अच्छे कार्य भी किए हैं, सेवा भी की है। लाल लोई की भंडारा भी हमने सवेरे से चालू किया था जो मैं बांटा हमने, और सभी शहरवासियों को टीम ओमिकालानी की तरफ से लाल लोई की हार्दिक हार्दिक बधाई। हमारे लासी एरिया की ओर से सभी शहरवासियों को लाल लोई की लाख लाख बधाई हो। हर साल की तरह हम इस साल भी लाल लोई का प्रोग्राम रखा है और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लाल लोई 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 खोटे 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 मिट्टी खोटो छोटे 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 लकड़ी जोटो खोटे 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 मिट्टी खोटो। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। 28वां रस्ता सुरक्षा अभियान शुरू थी चुको है।
जैमें स्कूली शागिर्दन वीटीसी ग्राउंड खां विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ताई एक रैली कढ़ी ए आखिर में बारन के ट्रैफिक रूल्स ए सेफ्टी मेथड्स के बारे में जान दिनी वही। 28वां रस्ता सुरक्षा अभियान हा कार्यक्रम ठाणे आयुक्तालय साजरा करण्यात आले येत आहे। सदर कार्यक्रमा अंतर्गत उल्हासनगर विठ्ठलवाड़ी उपशाखा शहर वाहतूक शाखा यांच्यातर्फे वीटीसी मैदान व उल्हासनगर मध्ये वीटीसी मैदान येथे उल्हासनगर मधील 7 शाळांनी रस्ता सुरक्षा अभियानात अंतर्गत भाग घेऊन जनजागृती करण्याकरता बरीचशी मदत केलेली आहे। लहान मुलांपासून रस्ता सुरक्षा अभियान राबवल्याने त्याचा खूप फायदा होतो आणि त्या अंतर्गत आज उल्हासनगर 4-5 मध्ये रॅली काढून त्या रॅलीची सांगता समारंभ विठ्ठलवाड़ी शाखा येथे करण्यात येत आहे। या कार्यक्रमात शैलेश पांडव यांनी विठ्ठलवाड़ी शाखेतील कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना मास वाटप करण्यात आलेले आहे। रस्ता सुरक्षा अभियान 28वा 2017 हा जो कार्यक्रम आपण राबवत असतो या कार्यक्रमाचा पाठिंबाचा हेतु असा आहे कि आपल्या भारतामध्ये आपल्या भारतात महाराष्ट्रात जे ॲक्सिडेंट मोटरसायकल किंवा फोर व्हीलरवर जे ॲक्सिडेंट होतात या ॲक्सिडेंटमध्ये बरीचशी जीवहानी होते, कोणी अपंग होतात, अशा लोकांचे त्याच्या पाठीमागचा जो हेतू आहे की याचा ॲक्सिडेंट आपण कमी होणे आणि कमी होऊन आपल्या मुलांना शाळेचे जे विद्यार्थी असतात विद्यार्थ्यांकडून आम्ही सर्व याच्यामध्ये शाळेमध्ये जाऊन त्यांना या रस्ता सुरक्षेबद्दल आम्ही माहिती देतो आणि ते प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या घरी जाऊन आपल्या आईवडिलांना किंवा आपल्या नातेवाईकांना सांगतात की बा दादा आपण बाहेर गेल्यानंतर आपण हेल्मेट वापरायची, गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावायचं, परत मोबाईलवर गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलू नये, दारू पिऊन गाडी चालवू नये, असे प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आम्ही ते शाळेमध्ये जाऊन त्यांना ती माहिती देतो। माहिती दिल्यानंतर ते आपल्या सर्व नातेवाईकांना वगैरे ती माहिती कळवतात आणि हा जो आजचा कार्यक्रम आम्ही जो राबवला VTC ग्राउंड उल्हासनगर 4 येथून आम्ही 30 सेक्शन OT सेक्शन असे जनजागृतीच्या माध्यमातून लोकांच्या याच्यावर लोकांपर्यंत पोहोचेल। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। मंगल जे ढी उल्हासनगर बे जे स्वामी टेऊराम आश्रम खां एक पालकी यात्रा निकरंदी जेका उल्हासनगर 5 में स्वामी टेऊराम आश्रम ते पूरी कई वेंदी। पेश आहे उन बारे में कुछ जान। बोल सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की जय। आज राजूर साईं देव प्रकाश जी महाराज की जय। ॾाढी खुशीअ जी ॻाल्हि आहे, हर साल वांगुरु हिन साल बि स्वामी शांति प्रकाश पालकी पदयात्रा निकिरी रही आहे जंहिंजो देव प्रकाश महाराज अची करे श्रवण कंदा ऐं स्वामी देव प्रकाश महाराजनि जी आज्ञा सां इहा पालकी निकिरे थी ऐं ॾाढी खुशीअ जी ॻाल्हि आहे। सभिनी सिंधियुनि खे वाधायूं हुजनि ऐं अची करे हिन पालकीअ में सभु शामिलु थियनि, पंहिंजा दुख दर्द दूरि कनि। स्वामी जन चवंदा आहिनि जेके बि हिन पालकीअ खे आशीर्वाद वठंदा हिन पालकीअ मां उन्हनि जो बेड़ो पार थींदो। ऐं हीअ पालकी पहिरें नंबर खां 5 नंबर ताईं पंधु यात्रा निकिरंदी आहे। स्वामी झूलेलाल मंदर जे अॻियां जेकी स्वामी टेऊराम दरबार आहे उतां खां वठी वेंदे स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ताईं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। गुरुद्वारे मां मोटंदे बिन जणन ते कुछ गैर समाजिक अनासरन हमलो कयो। अचो तो जानू था जख्मी नौजवान खां इन हमले जे बारे में कुछ। आपके बार जो हमला हुआ काफी हुआ है, कितने बजे हुआ? सोनी चौक में गुरुद्वारे से आ रहा था। हाँ, दो जने थे गुरुद्वारे से आ रहे थे तभी इधर चौक पे 25 या 30 जने थे, मेरे ऊपर अचानक में हमला, रिवॉल्वर भी निकाला था, मैंने धक्का मुक्की किया वहाँ से, सब लोग दोस्त जो वहाँ पे खड़े थे उन लोग ने चिल्लाया तभी जाके लोग वहाँ से भागे, चापर वापर से हमला किया मेरे ऊपर, रिवॉल्वर निकाले थे तभी मेरा चैन भी छीना और 10,000 कैश था, ये सब लोग मतलब 25-30 जने थे। नाम बताओ किसको पहचानते हो? कौन कौन थे? एक अज्जू नाम का लड़का है, ओमी का बॉडीगार्ड था वो, और एक सदाम और एक इजाज, और बाकी के नाम नहीं मालूम पर शक्ल ध्यान से याद मुझे। तो
पूरे 25 लोगों ने आपको घेर लिया था। 25 जनों ने इधर उधर इधर चारों तरफ से घेर लिया, मैंने धक्का मुक्की किया तभी जाके वो लोग रिवॉल्वर निकाल रहे थे और वहाँ से पब्लिक आके चिल्लाई तभी वो लोग भागे वहाँ से। क्या कारण क्या हो सकता है आपको मारने, आपके ऊपर हमला करने का? ये अभी मेरे डैड का जो इलेक्शन आने वाला है वही उन लोग मुझे घूम करना चाहते हैं कि ये यहाँ से घूमो है तो थोड़ा वो हो जाए ऐसे करके प्लानिंग हो। कहाँ पे मार लगाया? मुझे पेट में चापर मार रहे थे तभी यहाँ पर, तो मैंने धक्का दिया तभी मेरे ऐसा मैं गिर गया तो मेरे पैर पे वार हुआ और सर पे पत्थर बित्तर ये वो वहाँ से पूरे चारों तरफ से घेर के। तभी चौफर थे ये थे और बोल रहे थे रिवॉल्वर निकाल, रिवॉल्वर निकाला तो वहाँ से पब्लिक चिल्लाई, वहाँ से पुलिस ऐसे बोला पुलिस आई पुलिस आई, तभी वो लोग वहाँ से फरार हो गए। आपको पूरा मारने का प्लान ही बना के प्लान सब पूरा जान लो। अच्युत बुधू था उन जख्मी नौजवान के परिवार वारन का इन हमले के बारे में कुछ जान। सर मैं अपने वार्ड में धुएंकरण की मशीन लगा रहा था, आज तिवार है, इतने में मुझे 9 बजे दो आदमी भागते हैं मेरे वार्ड में कि आपके बेटे के ऊपर गोल मैदान पे मोजनीस के यहाँ पर चापर और चाकू से वार हुआ है और 20-25 जने थे, वो उनका जानलेवा हमला तो यहाँ से वार है पेट पे, सर उसका फटा हुआ है ऐसा आधा इंच डीप में उसके वार गया है, पैर पे चापर से वार हुआ है और वो जान से मारने के लिए ही आए थे और उसके पास जो ऐसा था तो उसमें कुछ आदमी थे जिन्होंने उसका चेन और उसके जेब में 10,000 रुपये थे, उनका मोबाइल है नीचे जेब में वो पड़ा है, तो ये पूरा पूरा प्लानिंग था कि आने वाली जो अभी इलेक्शन है वो मेरे बेटे के लिए भाई अपने उनकी मम्मी जो नगर सेविका है उनके ऊपर भाई सपोर्ट नहीं हुए, ये पूरा प्लान लेके मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, इसके लिए मैं सरकार से और मीडिया से ये गुजारिश करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। एक बच्चे को मारने के लिए 25 जने आए थे जिनके यहाँ पर पूरा कैमरा रिकॉर्ड है, पूरे गोल मैदान पब्लिक ने वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के वो छोकरे को बचाया है, नहीं तो वो शायद मर जाता। किस वजह से ये हमला हुआ होगा? साहब कुछ भी नहीं है, मैंने मेरे बच्चे से पूछा कि आप क्या है, उनके साथ में एक दूसरा छोकरा था, उन्होंने बताया कि सीधा आके उसका कॉलर पकड़ा कि बॉक्सर तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो उसने बोला क्यों भाई क्या हुआ है, तो सीधा रिवॉल्वर निकाल के उसके इधर पेट पे लगाया। अगर दूसरे ने अज्जू करके कोई मोमिनेंट छोकरा था उन्होंने बोला कि इसको रिवॉल्वर ठोको, नहीं तो दूसरे ने सीधा वार करना चालू कर दिया, वो खुद को बचाने के लिए फिर पब्लिक के यहाँ पर ये उसके पेट में वार और ये यहाँ से वार हुआ है। कौन कौन ये कौन थे ये लोग? सब ये फाटक के मस्जिद के छोकरे हैं और इसमें कोई अली नाम का छोकरा है जिसके ऊपर 300-400 केसेस है गाड़ी चोरी के, उन्होंने पूरा सुपारी लिया है, ये सुपारी किलर थे। कौन हो सकता है सुपारी देने वाला? सर ये अभी राजनीति है, ये इसमें भी हम पुलिस से कहेंगे कि इसमें आप देखिए, क्योंकि पहले भी मेरे ऊपर झूठे केसेस हुए हैं इलेक्शन में, हमारे ऊपर हर टाइम पे ऐसा होता है, पहले भी ऐसे हमले हुए हैं। आपको किसी पे शक है? सब अभी वो बच्चा उठेगा, बच्चा बेहोश है, उससे पूछता हूँ कि आप किस किस को पहचान दें, आपका किससे कुछ कहा सुनी हुआ है या नहीं हुआ है, या किसने आपको मारने का सुपारी दिया है? मथी हमले की घटना उल्लासनगर पहरें जे पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई वही है। असा पुलिस अधिकारी का इन हमले के बारे में कुछ जान वरती सी। ये मामला आज रात में 9:15 बजे गोल मैदान मोंजनीस के सामने एक एक्टिवा चालक जा रहा था और उसको भी एक्टिवा चालक का धक्का लगा एक लड़के को, और उसका धक्का लगने के बाद उनके दोनों में हाथापाई शुरू मारामारी हो गई, और मारामारी होने के बाद ये दोनों पार्टी ने वेपन वगैरह निकाल के दोनों को वार किया है और दोनों पार्टी के लोगों को हमने अस्पताल भेजा है, अभी फरियाद लेने का काम चालू है। इसमें 3 जख्मी है और दूसरा एक बॉक्सर बॉल के 1 जख्मी है, दोनों क्रॉस कंप्लेंट लेने का काम चालू है। पॉलिटिकल का इश्यू तो अभी कोई सामने आया नहीं है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। गुजरेल 6 सालन का मिलन नगर मां साईं पद यात्रा जा मेंबर पद यात्रा शुरू कना हैं, जेका हन साल पिण सिख श्रद्धा सा शुरू कई वई है, ए शिरडी दा केतरनी मानन पद यात्रा शुरू कई है।
श्री शिवसाई मिलन नगर मित्र मंडळ मिलन नगर शिर्डी पदयात्रा हे पालखी सहावे वर्ष आहे। दरवर्षी दर वर्षाप्रमाणे दर साल सर्व पालखी साई भक्त या पालखीला हजारोच्या वतीने उपस्थित राहून साईबाबाच्या दर्शनाकरता श्री क्षेत्र शिर्डी ते मिलन नगरकडे जातात। आमच्या या पालखीमध्ये नवी तर 100 दिवसावर वरांचा सहभाग असून सर्व पालखी साईबाई श्री साईबा की। आज हमारे मिलन नगर एकता मित्र मंडल के तरफ से जो ये साईं बाबा का पालकी निकाली जा रही है वो ये 6वां वर्ष से लगातार चल रही है। इसके जो कार्यकर्ता लोग हैं मेन हमारे अध्यक्ष जो हैं अजय जी हैं और उनके सभी कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर मिलन नगर कितनी बढ़िया पालकी जा रही है। हर साल एक प्रेम श्रद्धा के भाव से पूरा मिलन नगर खाली हो जा रहा है। साईं बाबा के आशीर्वाद से हम अपने वार्ड वासियों के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ कि इनका जो नया साल आया है हंसी खुशी से बीते, सब सबको जो है जय जयकार हो। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। मकर संक्रांति यानी तिरमूरी के मौके ते राजस्थानी समाज के पारा लायंस क्लब में इट्टी डकर जी रांद खेले करे ही दिन मल्हायो वियो। इन रांद में परिवार जा सब यानी डाडो पी ए पोटो गडजी करे ही रांद कई। हमारे दादा परदादे से भी पहले से ये गेम खेला जा रहा है। 50-60 साल हो चुके हैं इस गेम को, क्योंकि हम हर संक्रांत को गिल्ली डंडा इसे कहते कि हम कुछ भी त्यौहार हो पूरे साल में एक ही बार हम ये सब जितने भी हमारे एरिया वाले भाई 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 की तरह खेलते हैं। भाईचारा ही है सब में। वसीटा कॉलोनी में हर साल खेला जाता है इसे गिल्ली डंडा खेलते कहते। अभी कल लाला लोही रहता है सिंधी लोगों का, तो उसमें भी सब हमारे मतलब सिंधी नहीं है फिर भी सिंधी के लोग का त्यौहार मनाते हैं। लाला लोही जैसे होली जलाते वैसे लाला लोही जलाते और दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे सब आके लायंस क्लब में आके गिल्ली डंडा खेलते हैं। यही सब ये हमारा त्यौहार है मकर संक्रांत। ये सिर्फ हम राजस्थानी लोग खेलते हैं। जैसे गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है हमारे समाज वाले से मिलकर गिल्ली डंडा खेलते हैं और बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसका क्या महत्व क्या है? महत्व यही है मतलब हम अपना एंजॉय करते हैं इसमें। एंजॉय करते हैं हम लोग इसमें एंजॉय करते हैं मतलब हमारा भाईचारा रहता है समाज वसीटा पंच सब जितने भी ये छोटे मतलब पोते दादा बाप सब साथ में मिलके खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। कहते हमारी तीन पीढ़ी खेल रहे हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। सिंधियत जी शीदाई ए झूलेलाल जे भगत भरत भगत के सिटी राइटर्स क्लब जे पारा एक अवार्ड दिनो वियो। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर चौथे जी सांची महिला मंडल जे पारा सावित्रीबाई फुले जयंती सिक श्रद्धा सा मलाई गई। काय सांगाल आज तुम्ही अतिशय वेगळा असा उपक्रम या ठिकाणी राबवला आहे तर काय म्हणाल आपण? मी हा उपक्रम दरवर्षी राबवते साची महिला मंडळ तर्फे आणि आज ज्या महिला स्टेजवर उभे राहू शकत नाही कुठं जाऊ शकत नाही ज्या आपले घर चूल मूल सांभाळून आपले जे कामं करतायत त्या महिलांचं आज मला साची महिला मंडळ करून स्वागत करायचं होतं आणि ते निमित्त होतं सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त। आणि सावित्रीबाई फुलेंनी हर घरी जाऊन महिलांना सक्षम केलेलं आहे तशी एक माझी एक अपेक्षा आहे की महिलांना पुढे कसं यायचं त्यासाठी मला महिलांना सक्षम करायचं आहे व त्यांना एक धीर द्यायचं आहे की तुम्ही पण पुढे जाऊ शकता आणि तुम्ही काहीतरी करू शकता। नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। मी साची महिला मंडळाकडून शारदा आंबोरे मॅडमचं पहिले स्वागत करते आणि या शारदा आंबोरे मॅडम अशा 2002 पासून एवढं खंबीरपणे कार्य करतात की ती आतापर्यंत अख्खी सुभाष टेकडी त्यांना ओळखते आणि याच्यापुढेही भावी नगर सेविका म्हणून त्यांना ओळखायला पाहिजेल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही अनेक कार्यक्रम राबवले आणि राबवणारसुद्धा आहोत। याआधी तर त्यांनी बरेच कार्यक्रम केले कुठे वया वाटप कुठे पुस्तकं वाटप कुठे बरेच प्रोग्राम करतात आणि जयंत्या तर प्रत्येक जयंत्या साजऱ्या करतात प्रत्येक महिलांना सहकार्य करतात कोणाच्या दुःखात कोणाच्या सुखात प्रत्येक वेळी त्या वेळोवेळी जाऊन पोचतात घरोघरी पोचतात आणि कोणाचाही कुणालाही वेळ प्रसंगी त्या आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा मदत करतात। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। अचो विजू था एक नजर नगर में थींदड़ कुछ अपराधिक घटनाओं ते। उल्हासनगर 3 शिव कॉलोनी परिसर में विनीता गुप्ता नामक महिला के घर में चोरी की वारदात सामने आई।
इस महिला का कहना है कि रुक्मिणी अहिरे नामक महिला द्वारा इसके घर में चोरी की गई है, ऐसी आशंका ये जता रही है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 381 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उल्लासनगर 5 परिसर में एक 16 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाबला पार्लर परिसर से इस युवती का भारत मोहनानी नामक युवक द्वारा अपहरण किया गया। ये पूरा मामला हिलन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 363 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उल्लासनगर 5 वसारगांव परिसर में पुलिस ने अर्जुन वाइले नामक व्यक्ति को गावटी दारू यानी हाथपट्टी दारू बनाने के कच्चे माल के साथ हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा कच्चा जो माल है उसकी कीमत 2,20,000 है। ये पूरा मामला हिलन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 65FKDE के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। संदेश, हमारे परिसर को साफ सुथरा रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। आइए इसी सिलसिले में प्रस्तुत है ये वीडियो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तहिया ही कुछ ताजा तरीन जान असा जे अज जे सिंधी एपिसोड जी वरी तवा सा मिलंदा सी कुछ नई ए ताजा तरीन जान सा तवा जे पहिजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पहिजो शहर ए पहिजो गालियो में। तेस ताई असा के इजाजत दींदा। धन्यवाद।